मोम ना लगा क्यों चीनी ना पाई बस राजा भारत में किसी भी आरोपी को सजा देने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को सर्वोपरि मानकर खुद ही सजा देते हुए देखे जा सकते हैं। जी हां, ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक शख्स के गले में जूतों की माला पहनाकर और चेहरे पर कालिख पोते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वह इस युवक की जमकर धुनाई भी कर देते हैं। ये पूरा मामला यूपी के महाराजगंज जिले के कोलहुई थाना इलाके का है, जहां युवक पर आरोप है कि उसने नशीला पदार्थ खिलाकर एक महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके बाद ग्रामीणों ने उस युवक के चेहरे पर कालिख पोती और जूते चप्पलों की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान शख्स रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी एक न सुनी और उल्टा जमकर धुनाई और कर दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। महाराजगंज के डिप्टी एसपी ने बताया कि उन्होंने भी युवक के साथ की गई बर्बरता का वीडियो देखा और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना में सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनपद महाराजगंज से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के मुंह पर कीचड़ एवं काली कूद कर तथा गले में जूते की माला पहनाकर उसे टहलाया जा रहा है। जब वीडियो की जांच की गई तो मामला थाना कुलवी के ग्राम सुंदरपुरी कुल से संबंधित निकला, जिसमें मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लोगों को इस प्रकार कानून अपने हाथ में लेकर किसी को सजा देना किसी भी तरह से जायज नहीं है। हमारे देश में भरोसेमंद न्याय व्यवस्था है, यहाँ आरोपियों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, जिससे किसी बेकसूर को सजा ना मिल सके। लेकिन इस तरह से अगर लोग अपने आप न्याय करने लगेंगे तो भारत का सामाजिक ताना बाने और न्याय व्यवस्था पर एक गहरी चोट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।